भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम, चार वर्ण मैंने बना दिए। अब गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैंने बनाए और भागवत जी कह रहे हैं कि पंडितों ने बना दिए। तो अब सवाल यह है कि हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे, आप लोगों के माध्यम से अगर जानकारी आ जाए कि उन्होंने ऐसा कौन सा अनुसंधान किया जिस अनुसंधान के आधार पर इतना बड़ा वक्तव्य उन्होंने दिया है, तभी इसमें कुछ कहना उचित होगा। और क्या होता है आप बताओ, अगर एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने से किसको फायदा हो सकता है? इस जाति वाले को नहीं होगा, उस जाति वाले को नहीं होगा, फायदा किसको होगा? किसी तीसरे को होगा। तो तीसरा कौन है? वही जो गोलबंदी कर रहा है, ध्रुवीकरण कर रहा है, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। ये ध्रुवीकरण की राजनीति है कि पहले दो फाड़ करो, फिर जो बड़ा गोल हो उसका अपना उसका समर्थन ले लो और फिर सत्ता पे काबिज हो जाओ। तो राजनेता जो है ये ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब कर रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी को सताया नहीं है, और मान लो सताया भी है तो उस सताए को आज आप बदल लोगे? आज तो आज के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। आज के अनुसार अगर आप पुराने की बात लेकर के ताल ठोंकोगे तो अगला फिर चिढ़ जाएगा, जो आपसे प्रेम कर रहा है वो भी चिढ़ जाएगा। तो आप उसको चिढ़ा देंगे, तो चिढ़ा करके तो आप कुछ लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो आज की तारीख में हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हम लोग हैं सनातन धर्मी, हमको ये सोचना है कि हम लोग लड़के फायदे में रहेंगे कि मिल मिलके फायदे में रहेंगे, ये तो हमको तय करना है ना। राजनेता अपना काम कर रहे हैं, वो नींबू निचोड़ रहे हैं हमारे दूध में, लेकिन ये तो हमको तय करना है कि हम फट जाएं कि इकट्ठा बने रहें। छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं, इस पर आप क्या बोलेंगे? बात ये है कि हिंदू क्या होता है, आदिवासी क्या होता है, दोनों में कितना भेद है, पहले ये तो सब बताएं। वो थोड़ा सा व्याख्यान उनका आधा पौने घंटे का रिकॉर्ड करवाओ, ठीक है, व्याख्या करें कि ये होते क्या है, आदिवासी क्या होता है और हिंदू क्या होता है, उसके बाद फिर इनमें भेद है कि नहीं, ये आदिवासी हिंदू है कि हिंदू आदिवासी है, कि ये सब हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले वो इस पे अपना ज्ञान कृपा करके बताएं हम लोगों को, हम लोग समझें उनकी पूरी बात को। आप केवल शीर्षक बताते हो, शीर्षक से नहीं समझ में आएगा, पूरा व्याख्यान करें। भाई देखिए, हिंदू जो आदिवासी है वो प्रकृति की पूजा करता है, हम किसकी करते हैं? हम तो पीपल के पेड़ में, हम तो तुलसी के उसमें जल चढ़ा रहे हैं, हम तो उसी के नीचे दिया जला रहे हैं, और जाने कितने यार सब उदाहरण है, प्रकृति से ही हमारा सब कुछ चल रहा है, नहीं? तो ऐसी परिस्थिति में हम भी तो प्रकृति ही पूजक हैं, हम कौन से किसी दूसरे लोक के पूजक हैं, हम भी तो प्रकृति की ही पूजा कर रहे हैं, और हम आदिकाल से हैं, आज से थोड़े हैं, आदि कवि हमारे यहाँ हैं, आदि शंकराचार्य, आदि शब्द हमारे साथ लगा हुआ है। तो अगर शब्द के कारण कर रहे हैं तो आदि शब्द हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है, हमारे साथ भी है, तो वो जो हैं वही हम हैं, हम जो हैं वही वो हैं, क्या भेद है हमारे बीच में? भेद वही तो समस्या है कि नेताजी को भेद डालना है और भेद डाल करके गोल का समर्थन लेना है। आप रोटी क्यों तोड़ती हो? क्योंकि आपको खाना है, जब तक खाना नहीं होगा ना गोल रोटी गोल रहेगी, जब खाने की इच्छा होगी तब तोड़ तोड़ के कौर कौर खाने लगोगे। ये जो भेद है वो खाने के लिए हो रहा है, अन्यथा रोटी गोल है, समाज एक है, विभाजन तो अपने लाभ के लिए करता है आदमी। हम सूर्य की उपासना कर रहे हैं, हम चंद्र की उपासना कर रहे हैं, हम वृक्ष में देख रहे हैं, हम पशु में, गाय की पशु में, पक्षी में, सब हम तो वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, हमें उनमें क्या अंतर है बताओ? तो ठीक है ना, आदिवासी हैं तो आदिवासी केवल जंगल में ही रह रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो गया कि वो जंगल में ही रहते हैं, वो नगर नहीं बसा सकते, वो गांव में नहीं रह सकते? कभी तो जंगल से निकले होंगे वो लोग कि हम भी गांव में रहते हैं। आप लोग जो गांव से शहर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? सब सबके घर से पलायन हो रहा है, किसी भी गांव में चले जाओ हर घर से लोग रायपुर में आके बस गए हैं, अलग जो पास में शहर है उसमें जाके बस गए हैं। ऐसे ही आदिवासियों को कभी इच्छा नहीं होगी कि हम भी चलते बाहर, गांव में रहते, नगर में रहते, बड़े महानगर में रहते? तो जो आदिवासी जंगल में रह रहे हैं वो अब वहां रह रहे हैं, और उन्हीं में से हम लोग निकल के अब नगर, गांव, खेत, करवट सब बना लिया हम लोगों ने।
हम लोग यहां रह रहे हैं, बाहर से कहां से आ गए? ये दुनिया पहले एक थी, आज पाकिस्तान से कोई आता तो कहते हैं बाहर से आया है, परसों तक पाकिस्तान यही था, कंबोडिया तक, उधर जहां जहां तक चले जाओ सब इसी में था, आज अलग हो गया। पहले यहां चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, चक्रवर्ती का मतलब अखिल भूमंडलाचार्य, अखिल भूमंडल में हमारा शासन होता था, सूरज जो है अस्त ही नहीं होता था हमारे यहां, यहां से वहां जाता रहता था, घूमता रहता था, समझे ना। तो ऐसी कोई धरती नहीं थी जहां हमारा शासन न हो, जहां से हम आए, हमसे इतर कुछ हो तब ना हम वहां से आएंगे, तो हमसे इतर कुछ नहीं था, तो हम कहीं से नहीं आए, हम तो यहीं के हैं और निरंतर बने हुए हैं। महाराज जी, हाँ, अयोध्या में श्री राम की जो मूर्ति बनेगी वो गंडकी नदी से लाई गई शालिग्राम मंदिर से बनेगी। अयोध्या के ही एक आचार्य ने कहा है कि वो इतनी पवित्र शिला है कि हम उसमें चीनी अथोड़ी नहीं चलने देंगे, चाहे इतनी जान लेते। देखिए बात यह है कि कहना तो नहीं चाहिए, राम जी का मंदिर बन रहा है, राम जी की मूर्ति बने, अच्छा ही लग रहा है हम सबको, जो जितना काम आगे बढ़े अच्छा है। क्या हो रहा है कि ये महात्मा जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। आपने पहले निरूपण कर दिया कि साहब शालिग्राम शिला है, शालिग्राम शिला की हम लोग पूजा करते हैं, अब पूजा करने की चीज पर आप फेनी हथौड़ी चलाओगे तो किसको स्वीकार होगा? अगर भावना है तो भावना तो माने अगर यहां से जुड़ी है कोई चीज तो उस पर मारोगे तो यहां चोट लगेगी, तो वो महात्मा जो है भावना वाला है ऐसा हम समझते हैं और उसको चोट लग रही है, सही है। होना क्या होता है कि हमारे यहाँ भगवान ने भी क्या व्यवस्था बनाई है कि बच्चा आता है उसका संकेत दे देते हैं कि साहब बच्चा आने वाला है, लेकिन जब तक हाथ पैर आंख नाक कान बन नहीं जाए तब तक लोगों के सामने नहीं रखते हैं, है ना। पहले गर्भ में बच्चा आता है, घर वालों को फिर बाहर वालों को पता चलता है कि आ रहा है, वो सब उत्सव उत्सव मनाने लगते हैं, खुशी होने लगते हैं, वो सब होता है, लेकिन आंख कान नाक मुंह सब बन नहीं जाए जब तक, तब तक वो बाहर नहीं आता है, तब तक जनता उसको नहीं देख सकती है, केवल अनुमान कर सकती है कि आ रहा। ये व्यवस्था भगवान ने क्यों बनाई? और अगर बनाई तो उसको हम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? हम भी मूर्ति बना लेते उसी पत्थर से किसी जगह पर और बाद में उसकी शोभा यात्रा निकालते, 3 दिन में लाए, 30 दिन में ले आते, लोगों को पूजा अर्चना करने का बहुत बड़ा मौका मिलता। लेकिन ये जो जल्दबाजी कि जल्दी से हम लोगों के सामने कुछ दिखा दें, ये जो जल्दबाजी की भावना है उसके कारण ये हो रहा है। अब ये तो होगा, अब तो वो बनाएंगे मूर्ति, ये बात सही है, क्योंकि ले आए हैं पत्थर तो बनाएंगे, और जो भावना रखने वाला व्यक्ति है उसके छाती पे वो छेने हथौड़ी लगेगी। तो इसीलिए हमारा ये कहना है जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, आपके माध्यम से उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों को हमारा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि ऐसी हड़बड़ी ना करें। कभी आगे भी बहुत अभी मौके आएंगे, किसी की भावना में चोट पहुंचे वैसा काम नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके तब जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आगे आगे इसका ध्यान रखें। अभी तो अब क्या हो सकता है, अभी तो अब उस महात्मा को बेचारे को चोट सहनी पड़ेगी, किसी को भी, बहुत से लोगों ने बात कही है, वो तो केवल किसी लोगों की भावनाओं को उठा रहा है, लेकिन बात सच है। होना ये चाहिए था कि शिला निश्चित कर लेते, सूचना कर देते कि साहब हमने शिला निश्चित कर ली है, अब उसमें मूर्ति बन रही है, इतने करोड़ साल पुरानी शिला, ये देखिए उसका चित्र है और वो कहीं बन रही है, अब वो कहीं बनती, बनने के बाद मूर्ति लेके आते, ऐसा आनंद होता, उसको घुमाते, केवल नेपाल से अयोध्या नहीं, वो तो बहुत छोटा पैच है, भारत में एक भारत परिक्रमा करवा देते उस मूर्ति की, जो मूर्ति भारत भर के लोगों की आस्था का केंद्र है, उस मूर्ति जैसे जिस गांव में भगवान की मूर्ति की स्थापना होती है उस गांव में शोभा यात्रा निकाली जाती है कि पूरे गांव के लोग देख लें, एक दूसरे वो मूर्ति भी पूरा गांव देख ले कि इतने के कल्याण के लिए हम यहां विराजमान हो रहे हैं, ऐसे ही जो भगवान की मूर्ति है वो बन जाती, बन के निकलती, पूरा भारत भ्रमण करके फिर वो अयोध्या आ जाती, बहुत आनंद होता, सब उसके दर्शन कर सकते, पूजन कर सकते, क्या खराबी थी। ये जो हड़बड़ी कि जल्दी से हम कुछ दिखा दें, कहीं ना कहीं ये कारण हुआ, उसी कारण से ये अब हो रहा है। होना यही चाहिए था कि मूर्ति बनने के बाद सार्वजनिक सबके सामने आनी चाहिए, अब प्रक्रियागत दोष है, फिलहाल अब उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पत्थर तो आ गया, मूर्ति भी हमको बनाना ही है, इसलिए महात्मा जी को अब कड़ा मन करके सहयोग ही कर देना चाहिए, बात तो उनकी सही है लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते। ये सब धार्मिक चीजों के लिए भी जितना विवाद इस समय जिस तरह वादीवाद हो रहा है, अलग से सनातन संस्कृति को कितना नुकसान होता है,
बहुत बड़ा नुकसान होता है, आपको नहीं लगता है लेकिन नुकसान होता है। आप जब एक वक्तव्य देते हैं तो लोगों के मन में घर कर जाता है, और खास करके जाति के बारे में जब बोलते हैं, सबसे कठिन जाति अपमान। जाति की बात बहुत कठिन होती है, आदमी सब चीज़ पे चुप हो जाता है, लेकिन जब जात की बात आती है, जैसे अभी हम आपको कुछ भी अपशब्द कहें आप नहीं, जैसे पिता का नाम ले देंगे, माँ का ले देंगे, तब आप हमारा पैट पकड़ोगे कि साहब खबरदार पिता माता का नाम मत लो। तो एक स्तर पर जा करके फिर आदमी सहन शक्ति खत्म हो जाती। तो जब जाति को जाति के खिलाफ आप खड़ा करते तो ये बहुत मतलब बहुत बड़ा प्रभाव आप डालते हो, और लंबे समय में इसका परिणाम निकल के आता है, एक दिन में नहीं, लोग सुन के मन में भर लेते हैं और पीढ़ियों तक बताते चले जाते हैं, और उसी का परिणाम होता है। जो अंग्रेजों ने ये शुरू किया कि साहब तुमको तुम वो सेवक इन्होंने बना दिया, ये लोग ऊपर हो गए, ये ऊंच हैं तुम नीच हो, ये सब बन दिया। ऊंच नीच क्या होता है कि साहब सिर जो है वो ब्राह्मण कहा गया है, पैर जो है शूद्र कहा गया है, सिर ऊपर रहता है इसलिए ऊंच है। हमने कहा ऊंच नीच का कैसे आप निर्धारण करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से? उन्होंने कहा साहब सिर ऊपर रहता है इसलिए ऊंच कहते हैं। तो हमने कहा कि अब देखो हम लेट गए, हमने कहा अब बताओ कौन ऊंच है कौन नीच है। हम तो रोज लेटते हैं, जितने देर हम खड़े रहते हैं उससे ज्यादा देर हम बैठते हैं और लेटते हैं। 8 घंटा तो हर आदमी सो रहा है, तो 8 घंटे तो हम बराबर ही हैं, और फिर हम लोग तो शीर्षासन भी रोज लगाते हैं, तो शीर्षासन जब लगाते हैं तब ऊंच कौन होता है? बैठते हैं तब तो शूद्र और बुद्ध की बराबरी हो जाती है, प्रणाम करते हैं तो चरणों में ही झुक जाते हैं, माथा जो है उसमें झुक जाता है। तो आप समझिए ये ऊंच नीच कैसे निर्धारित करोगे, क्योंकि ये तो ऊंच नीच बदलता रहता है हर समय, फिर कुछ नहीं है बोलना है, ये समस्या है। तो ये लोग जानबूझ करके लड़ाने के लिए ये सब पैदा कर देते हैं, लेकिन वही बात घर कर जाती है। अब घर कर रही है, बहुत से हमारे भाइयों के मन में घर कर रही है। आप समझिए कि कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। अपने देश में ब्राह्मण सभाएं हैं, वहां जहां चली जाइए, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण महासंघ, ये ब्राह्मणों की संस्थाएं बहुत, क्षत्रियों की क्षत्रिय सभा अमुक अमुक उनकी भी बनी, वैश्यों की भी सभाएं बनी हुई, पूरे देश में चले जाइए कहीं शूद्र सभा है? मैं ब्राह्मण हूं कहने वाले लोग मिलते हैं हम लोगों को, मैं क्षत्रिय हूं मैं शूद्र हूं ये कहने वाला कहां मिलता है? मिल नहीं रहे, क्योंकि लोग उनके दिमाग में इतना भर दिया कि अब वो बेचारे अपने आप को वो कहने में उनको दिक्कत हो गई है। तो ये विष जो है वो दिमाग में जो भरा जा रहा है इसका बहुत बड़ा परिणाम निकल के आएगा। ऐसा नहीं है, अपने लोगों ने शुरू में क्या किया, ये सोचा कि भाई चलो इस्लाम है तो क्या है, वो भी तो ईश्वर की उपासना ही बता रहा है, इसलिए कोई कन्वर्ट हो जा रहे हैं ठीक है, उपासना ही तो करना है, ऐसा सोच करके हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कन्वर्जन होने दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या है इस भगवान की उपासना करता था दूसरे की करेगा, एक नाम ही तो बदल गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि देश 2 टुकड़े हो गए। तो ये जो शुरू में नहीं पता चलता है लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा परिणाम इसका आता है। तो आजकल जो ये नेता कर रहे हैं इसीलिए हमको इतना बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आगे इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। हम एक हैं, वेदों ने अगर ये कहा है कि भगवान की मूर्ति ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्यागुण शूद्रो अजायत, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऊंचा कोई नीचा होगा, इसका मतलब ये है कि सब भगवान के अंग हैं। तात्पर्य उसमें है कि सब भगवान के अंग हैं, और हमारे यहाँ हम सनातन धर्मियों के यहाँ ये विशेषता है कि कितनी ही अच्छी मूर्ति हो अगर एक अंग खंडित हो जाए, एक उंगली टूट जाए, एक पैर की उंगली टूट जाए तो भी खंडित हो जाएगी, एक कान टूट जाए, नाक टूट जाए, कोई भी अंग टूटेगा मूर्ति खंडित, पूजा योग्य नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि वेद ये कहना चाहता है कि ये जो समाज है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, ये एक मिल करके हमारी मूर्ति बनती है, इनमें से एक भी अलग होगा तो हमारी मूर्ति खंडित हो जाएगी, पूजनीय नहीं रह जाएगी। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जब चारों मिल करके एक दूसरे के पूरक बनेंगे तब जा करके भगवान की मूर्ति पूजनीय बनेगी, और उस समय सनातन धर्म की ध्वजा ऊपर चली जाएगी। आज नीचे है इसीलिए है क्योंकि एक एक अंग हमारा कहीं ना कहीं अलग होते जा रहा है। भाई खत्म नहीं होना चाहिए कोई चीज, अगर बनी है देखिए वर्ण व्यवस्था, वो हर चीज खत्म होनी चाहिए जो खराब हो, और जिसका कोई लाभ हमको मिल सकता है वो क्यों खत्म होना चाहिए? वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ पहले रही है, अच्छा अच्छा उसका परिणाम अच्छा आया, तो किसी का परिणाम अच्छा है तो हम उसका सदुपयोग कर लें, दुरुपयोग क्यों करें? अच्छा छोड़ने से छोड़ नहीं सकती है, इतने दिन से कह रहे हैं जात खराब है, जात खराब है, और जात जो है बनाई हुई है वहाँ,
जाति हमको किसने बताया? हमको हमारे पिता ने माता ने बताया, जब हमारा जनेऊ हुआ तो हमको बताया कि तुम ब्राह्मण हो, हम ब्राह्मण हो गए, हमने ग्रहण कर लिया उसके।